बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है यहाँ, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। है, है, है। उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। हम आपको बता दें, उनका इलाज चल रहा था, कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद उनका इलाज इंदौर के एक अस्पताल में जारी था। हालांकि राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट कर कोरोना संक्रमण की जानकारी दी थी। आखिर के कुछ दिन में राहत इंदौरी ने कहा था, मेरी खैरियत, मेरी हाल जानने के लिए मुझे फ़ोन ना करें। आप सबको ट्विटर पर, फेसबुक पर हमारी जानकारी, हमारी हालात की जानकारी मिल जाएगी। हालांकि राहत इंदौरी के निधन के बाद साहित्य जगत में शोक की लहर के साथ साथ राहत इंदौरी के फैंस में भी इस घड़ी में शोक की लहर है। जिस शख्स ने सच्चाई को अपने शायराना अंदाज में लोगों के दिलों में जगह बनाई है और कभी वो डरे नहीं, और राहत इंदौरी मुशायरा के एक लहजा थे और वो लहजा अब हमारे बीच नहीं है, एक लहजा कम हो गया है। 70 के दशक में आए एक नई अंदाज लेकर, हम आपको ये भी बता दें, राहत इंदौरी इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनका कोरोना संक्रमण पाए गए थे, उस वक्त उनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक आया और उनकी निधन हो गई। जो जानकारी सामने आ रही है हम बता रहे हैं आपको, उन्होंने अपनी यादें लोगों के बीच छोड़ गए हैं। कहता हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जेल की दीवार उठाते रहिए, ऐसी आज़ादी कि हर शख्स रिहाई मांगे।